हेलो वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज मैं आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करवाने में मदद करूंगा अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं आपको फील करवाऊंगा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप खुद को पाओगे आफ्टर एन नंबर ऑफ इयर्स तो आपकी क्या इज्जत होने वाली है, व्हेन यू विल बी डूइंग बिग ऑडिट्स, या फिर जब तुम ट्रेनिंग करने वाले हो तुम कैसा खुद को फील करवाओगे, कैसे लोग तुमको देखेंगे और कैसे सारी चीजें चलने वाली है, उसका मैं तुमको अपने स्टोरी के थ्रू बताऊंगा कि क्या चीजें आपके साथ होने वाली है। और लास्ट में तुमको एक और प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे बैंक्स में जो बहुत सारा कैश होता है, करोड़ में लैक्स में जो कैश होता है, उसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे वेरीफाई करता है, जिसमें 100% चांसेस है कि अगर कोई फ्रॉड कैश से रिलेटेड है तो वो पकड़ा ही जाएगा। वो भी मैं लास्ट की पार्ट में बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ बिग बैंग। तो बात उन दिनों की है जब मैंने आईपीसीसी एग्जाम पास करने के बाद अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन की थी, एंड इट वॉज बेसिकली द फर्स्ट ईयर ऑफ माई आर्टिकलशिप और मुझे ढेर सारे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला था। मुझे एक स्टेचुटरी बैंक ऑडिट के लिए नॉमिनेट किया था हमारे प्रिंसिपल ने, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर दैट। और मुझे अब बैंक्स में जाकर बड़े बड़े जो लोन्स होते हैं, कैश अमाउंट होता है, अलग अलग जो प्रोसीजर्स हम लगा सकते हैं फॉर कैचिंग द फ्रॉड्स अगर कुछ हो रहा है, बैंक में जो NPAs होते हैं दैट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के कितने लोन ओवरड्यू हैं, कितनों का पेमेंट नहीं आने वाला है, उसको कैसे कैच करते हैं, कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स कैसे लगाते हैं, वो सबको सीखने का मुझे मौका मिलने वाला था। तो मैं गया, इट वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ द बैंक ऑडिट, हमारे प्रिंसिपल आए, हमने देखा कि यार क्या क्या चीजें, कितना बड़ा लोन है। उस टाइम मैनेजर भी लेट आता था, इट वॉज अ टाइम फर्स्ट डे ऑफ ऑडिट था हमारा, हम कुछ 9:30-10 बजे पहुंच गए थे बैंक में, लेकिन जहां मैनेजर जो था उसको पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि हम कितने बजे आने वाले हैं। तो ही केम लाइक 11 बजे वो आए, और 11 बजे आने के बाद सबसे पहले तो हमारे सर ने ये प्रॉमिस किया कि अब आपको 5-6 दिन जो है अपने ऑडिट्स में आपको रोज सुबह 9 बजे आना है और रात को 8 बजे जाना है। तो बैंक मैनेजर को सुबह 9 बजे आना पड़ता था और रात को 8 बजे हमारे साथ निकलना पड़ता था, जो यूजुअली वो 11 से 5 बजे की नॉर्मल वर्किंग थी वही करते थे, बट ड्यू टू अस अब उनको सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक रुकना पड़ता था। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने पूरी लिस्ट निकाली कि कितने लोन दे रखे हैं, अलग अलग टर्म लोन कितने दे रखे हैं, कैश क्रेडिट कितने लगे, किसान क्रेडिट कार्ड कितने दे रखे हैं, और अलग अलग जो लोन्स बड़े बड़े अमाउंट हो उसके हिसाब से हमने लिस्टिंग करी। और हमारे सर अब मैनेजर के साथ बैठे हैं, अब मैनेजर और हमारे सर की बस बात इतनी हो रही है कि यार ये वाला लोन है अब ये ओवरड्यू हो गया, हमारे सर कह रहे हैं ये तो ओवरड्यू हो गया, इसको तो NPA क्लासिफाई करना पड़ेगा, और मैनेजर बस वही चीज को नेगोशिएट कर रहे कि नहीं ये वाला अभी लोन तो बस आजकल में पेमेंट आने वाला है इसका, अभी ये तो कल वो हो जाएगा, इसका तो ये स्टेटमेंट, मतलब हर बात वहां पर आके अटक रही थी कि ये वाला लोन ओवरड्यू होगा और मैनेजर कह रहा है नहीं सर ये ओवरड्यू नहीं होगा, ये ओवरड्यू होगा, ये ओवरड्यू नहीं होगा। बिकॉज एक लोन के NPA क्लासिफाई करना अपनी रिपोर्ट में वो डिटरमाइन करता था उस पर्टिकुलर मैनेजर के ट्रांसफर प्रमोशन इन चीजों पे। तो हर मैनेजर चाहता था कि यार कम से कम NPA निकले मेरी ब्रांच में, मेरी वाली लोकेशन पर, ताकि मेरा प्रमोशन या फिर ट्रांसफर जैसा भी हो उसके फेवर में हो। तो हर चीज में आपकी अलग ही मेहमान नवाजे होने वाली है कि यार सर ये ले लीजिए, यहाँ का ये रेस्टोरेंट से ये मंगवा रहे हैं, सर ये क्लासीफाई नहीं होगा NPA में, यही सारी बातें चल रही थी। और उस दिन पता चला कि बैंक में माहौल ऐसा है जैसे एक CBSE में इंस्पेक्शन, स्कूल में एक CBSE जब इंस्पेक्शन करने आता है वैसा ही माहौल था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक में गया हो। तो इट वॉज डेफिनेटली अ ग्रेट एक्सपीरियंस जहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला और अलग अलग चीजें सीखी, और सबसे इंपॉर्टेंट पता चला कि यार हमारी क्या वैल्यू है इफ वी गो फॉर एन ऑडिट। और जिस दिन मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया, सीए प्रोफेशन के लिए इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई, और खुद के साथ मैंने वादा किया कि अब जो भी मैं सीखने वाला हूं पूरी जान लगाकर सीखने वाला हूं, कि ताकि मेरी प्रैक्टिकल चीजों पे कोई भी हाथ नहीं पकड़ पाए, मैं सारी सब्जेक्टिव थ्योरिटिकल चीज जो मैं अपने करिकुलम में सीख रहा हूं, अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू सीख रहा हूं, उसको मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है। मैंने खुद के साथ ये वादा किया और तभी से मैंने हर चीज डिटेलिंग में सीखी, और वही चीज में हेल्प करने वाला है आपको, वेरी गुड कोर्स दैट इज ऑडिटर्स डेस्क का कोर्स है, जहां पर आपको ऑडिटिंग में हर चीज प्रैक्टिकल इनसाइट से रिलेटेड सिखाई जाएगी। दैट वुड बी अ कोर्स फॉर CA, CS, CMA, SCCA और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली कोर्स है। देखिए हमको सबको पता है कि कोविड के बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, अगर आपने टेक्निकल स्किल्स नहीं सीखे, इंडस्ट्री के इनसाइट्स नहीं देखे और सॉफ्टवेयर पर कैसे ऑडिट किया जाता है, टूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें नहीं सीखी तो हम बहुत पीछे कर लेंगे खुद को दुनिया के मुकाबले में। तो ये सारी चीजें अगर सीखनी है तो यू कैन थिंक ऑफ रजिस्टरिंग थ्रू द इंडियाज फर्स्ट ऑडिट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय ऑडिटर्स डेस्क, एंड यू कैन इवन यूज माय कोड दैट इज ऑडिट विद मोहित, ताकि आपको ₹1000 ऑफ भी मिल जाए। और ये वाला कोर्स करने के बाद आपको वो प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे इन द बिग 20 फर्म एज वेल। सो यू कैन थिंक ऑफ
रजिस्टरिंग थ्रू द लिंक आई एम गिविंग बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भाई बात सब मिलाकर इतनी सी है कि अगर तुमको कंप्लीट इज्जत चाहिए फ्यूचर में अपनी, तो जो पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकली चीजों से कोरिलेट करके पढ़ना। स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये केवल नाम सुनने और बात करने के लिए अच्छे नहीं है, अपनी लाइफ में इनको उतारो और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप ये स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल चीजों से कोरिलेशन सीख सकते हो, पर बात उतनी है कि आपको केवल पास करने से ऊपर उठना पड़ेगा और लाइफ में ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ सीखना है। तो एक और चीज मैंने वादा किया था व्हेन आई वाज स्टार्टिंग दिस वीडियो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे बैंक में कैश को चेक किया जाता है, ताकि वो फ्रॉड वगैरह से हम सबको चेक कर सकते हैं कि यार ये 100% सही कैश है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जब हम जाते हैं किसी भी बैंक में, हम कोशिश करते हैं कि यार एक जो पॉलिथिन है कोई बैग में, जितना भी अपने हाथ में कैश आ रहा है, कुछ हजार के 1500 नोट, 500 के कुछ नोट्स, 100 के नोट, 10-20 के नोट्स, ये सारे नोट्स हमारे कुछ कैलकुलेशंस नहीं होता, बस उसको उठाते हैं अपने पॉलिथिन में या फिर अलग से पैकेट बनाया उसमें डाल लेते हैं, और ये वाला अमाउंट पर्टिकुलरली हम अपनी निगरानी में एक अलग लॉकर में लॉक करवा देते हैं मैनेजर को कहके। और जब लास्ट में एंड ऑफ द डे हम जाते हैं तो ये वाला कैश उठाते हैं, जो बचा हुआ ड्रॉज में उन कैशियर के पास कितना कैश है वो उठाते हैं, दोनों को कैलकुलेट करते हैं, गिनते हैं, और ये टोटल जो अमाउंट अब आया इसको मैच करते हैं जो सॉफ्टवेयर में अमाउंट आ रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि दोनों चीजें मैच्ड हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी फ्रॉड के चांसेस नहीं है। ये जो कैश हमने शुरू में उठा लिया प्लस जो कैश कैशियर के पास बचा और जो एटीएम वगैरह में कैश बचा, ये सब कुछ ऐड करने के बाद हमको सॉफ्टवेयर से मैच करना पड़ता है, जिससे हम कैश का असली प्रोसीजर लगा पाते हैं और फ्रॉड प्रूफ कैश का वेरिफिकेशन कर पाते हैं। तो यू कैन थिंक कि जब भी आप बैंक ऑडिट्स पे जाओ तो ऐसे कुछ प्रोसीजर्स लगाओ, ताकि 100% वेरिफिकेशन हो जाए कि हर चीज सही है, अपनी रिपोर्ट्स में हर चीज सही जा रही है, और सही वेरिफिकेशन के साथ, सही ऑथराइजेशन के बाद सब कुछ फुल प्रूफ्ड चेक्ड है। गुड बाय, हैप्पी लर्निंग, और ऐसी सारी चीजें इंप्लीमेंट करते रहो और एक बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। Have go through all these things, तभी आप एक कुछ बड़ा कर पाओगे लाइफ में। डू हिट अ लाइक इफ यू थिंक कि ऐसे वीडियो और आने चाहिए और मुझे ऐसी चीजों पर और वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।